हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेप्टिलियन ऑर्डर टेस्टिव ऑर्डर टेस्टिव कैन आल्सो बी नेम्ड एज ऑर्डर चिलोनिया इस ऑर्डर में हमारे पास आते हैं टर्टल्स स्टोर एंड टेरापिन्स देयर आर अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव स्पीसीज विच आर करेक्टराइज बाई बोनी बोनीशेल पेजेंट होता है इनमें जो कि एग्जिस्कटन के तौर पर काम करता है इसके अलावा जो लिम्स पेजेंट होती हैं लिम्स हाइंड लिम्स भी हो सकते हैं और फोर लिम्स भी हो सकते हैं लिम्स इंटरनल साइड से रिब्स के साथ कनेक्ट होती हैं और मूव कर रही होती हैं आर्टिकुलेट करती हैं और इनमें कैराटीनाइज बीक प्रेजेंट होती है कैराटीन इज अ प्रोटीन तो प्रोटीन कैराटीन से मिलके बीक बनी होती है और इनमें तीत एबसेंट होते हैं कैरापेस इज द डोर्सल पोर्शन ऑफ द शेल अब कैरापेस क्या है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो अपर वाला पोर्शन है टॉप ऑफ द शेल है इस शेल के दो पोर्शन है एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन है बॉडी की आप साइड पर जो है जो टॉप है जो डोर्सल पोर्शन पे है दैट इज़ द कैरापेस और जो वेंट्रल पोर्शन है बॉटम है या लोअर साइड पे है दैट इज़ द दे प्लास्ट्रोन शेल का पोर्शन है कैरापेस किस से मिल बना होता है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ वर्टिब्री वर्टिबरी की फ्यूजन से रिब्स की एक्सपेंशन से और जो स्किन में बोन्स हैं डर्मल बोन्स ऑफ स्किन उनसे मिलकर ये बना होता है और जो कैराटी होती है वो कैरापेस की बोन्स को कवर कर रही होती है कैराटीन प्रोटीन सिमिलरली जो प्लास्ट्रोन है इट इज़ फॉर्मड फ्रॉम द पेक्टोरल गर्डल बोन जो पेक्टोरल गर्डल हैं ये शोल्डर गर्डल को पेक्टोरल गर्डल कहते हैं पेक्टोरल गर्डल की जो बोन है और इसी तरह से जो स्किन में डर्मल बोन्स हैं ये मिलके किसको बनाती हैं प्लास्ट्रोन और इनको कवर करती है कैराटीन प्रोटीन देर आर समजस प्रजेंट इन प्लास्ट्रोन कुछ टोर्टल्स ऐसे हैं जिनमें हिजिस प्रजेंट होती होती हैं प्लास्ट्रोन के पोर्शन में जो वेंटल पोर्शन है शेल का हिन्जस का क्या फंक्शन है हिजिस वो फ्लैक्सीबल पोर्शन है वो जॉइंट्स हैं जो कि जिनकी वजह से जो है वो शेल जो है वो मूव कर सकता है बेंड कर सकता है शेल कैन भी ओपन इट कैन भी क्लोज और ये हिजिस जो हैं वो देखे गए थे नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स टोर्टल में इसके अलावा भी मोस्टली टर्टल्स में हिंजस प्रेजेंट होते हैं सर्विकल वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा जो होते हैं ये नेक के वर्टिब्रा होते हैं टर्टल्स में एट सर्विकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं और ये एट सर्विकल वर्टिब्रा जो होते हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं इस तरह में इस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं दैट फॉर्म अ कन्फिग्रेशन दैट इज़ एन एस शेप्ड कन्फिग्रेशन जिस तरह से मूव करते हैं कि एस शेप जो है ना वो एक कन्फिग्रेशन बना रहे होते हैं अब इनके नेक में एट सर्विकल वर्टिब्रे ज़्यादा वर्टिब्रे इट मीन्स के इन, इन इनके पास ज़्यादा फ्रीडम है अपने नेक को मूव करने की तो इनके पास ज़्यादा फ्रीडम है इट मीनस के ज़्यादा अपना जो अपने नेक है अपना फेस जो है वो रोटेट कर सकते हैं लाइफ स्पैन अगर हम इसकी बात करें तो लाइफ स्पैन इनका फोटीन या मोर देन फोर्टीन ईयर्स होता है और सेक्चुअल मचोरिटी अगर हम डिस्कस करें तो सेक्चुअल मेच्योरिटी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हालांकि इनका लाइफ स्पैन फोर्टीन और मोर देन फोटी ईयर्स है लेकिन जो इनमें सेक्चुअल मेचोरिटी है वो इतनी जल्दी नहीं वो टाइम से आती थोड़ा लेट आती है आफ्टर सेवन टू एट ईयरस सात से आठ साल बाद इनमें सेक्चुअल मेच्योरिटी आती है आ, उसके अलावा दे आर ओ वी दे ले एग्स एग ले करते हैं उसमें से बच्चे निकलते हैं फीमेल क्या करती है कि फ़ीमेल सैंड के अंदर ज़मीन में जो है ना वो आ, इस अपना नेस्ट बनाने के लिए ज़मीन को खोती है डिग करती है सॉइल को अपने हाइंड लिम्स से हाइंड लिम्स के जरिए उसको डिग करके और उसके अंदर जो ना है।, तो है ना वो एग ले करती है आलमोस्ट फाइव से हंड्रेड एग्स जो होते हैं ना वो एक फ़ीमेल ले करती है एक ब्रीडिंग सीजन में क्लच किसे कहते हैं एक ब्रीडिंग सीज़न में टोटल नंबर ऑफ एग्स एक जो एक, एक फ़ीमेल ले करती है उसको क्लच कहते हैं क्लच साइज तो फाइव टू वन हंड्रेड एग्स जो तो है वो बरो बना के फीमेल एग ले करती है और फिर उसको कवर कर देती है सैंड से कवर करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है दोबारा ना चक्कर लगाती है कुछ भी नहीं करती तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो फीचर है ना इनका ये है कि इनमें जो है वो पेरेंटल केयर नहीं शो करवाते उस जब हैचलिंग्स होते हैं एग में से जो है वो यंग वंस निकलते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं कोई मेटरनल जो है वो केयर उनको नहीं मिलती फोर वीक्स से लेके कर वन ईयर इनकी डेवलपमेंट को लग जाता है उसके अलावा जो टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं ये क्यों हैं क्योंकि टर्टल्स की मोटैलिटी रेट जो है वो इनका बहुत ज़्यादा है हाई मोटेलिटी रेट की क्या रीज़न्े हैं वो reasons ये हैं दैट दे हैव अ स्लो रेट ऑफ़ ग्रोथ इनका जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है टाइम लगता है और जो जुविनाइल पीरियड है वो लंबा है इस वजह से क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है तो उनका जविनइल पीरियड लंबा है जब ये जविनइल पीरियड लंबा है ड्यूरेशन इसकी लॉन्ग है तो इस टाइम ड्यूरेशन में ये जो है वो वल्नरेबल होते हैं इनके प्रीडेटर को तो इस पर इन पर बहुत जल्दी जो है ना वो इस कंडीशन में अटैक होने का डर होता है इसके अलावा जो है इलीगल हंटिंग जो है टर्टल्स की हो रही है इस तो वजह से भी टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो मुतारफ़ करवाए गए हैं प्रीडेशन इनकी हो रही है यंग टर्टल्स पे जो है ना वो प्रीडेटर जो है वो प्रे कर लेते हैं उनको उसके अलावा जो है वो टर्टल के जो नेस्ट हैं वो डॉग्स और अदर एनिमल्स जो हैं वो उन पर जो है वो उनको प्रे कर लेते हैं सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इस टर्टल कंजर्वेशन में इसी तरह से एक थ्रेटन स्पीशी सी टर्टल सी टर्टल्स हैं जिनकी कंजर्वेशन जो है वो करवाई जा रही है तो सी टर्टल कंजर्वेशन जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी है क्योंकि इनकी जो काफ़ी किलोमीटर तक जो है वो इनकी रेंज है ये नेस्ट बनाते हैं ओशन्स की बीच पर तो बीच पर जब ये नेस्ट बनाते हैं तो फिर ये जाहिर है ओशन वाली साइड पे हैं सी टर्टल्स हैं तो इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरिया कवर करना पड़ता है और इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ना वो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो हैं वो मुतार्फ़ करवाए गए हैं Uh, that's all it was all about the order test dines if you have any question then do let me know in the comment section and uh, if you like this video then uh, do like subscribe and comment thank you